जो आप रेस देखने वाले हो स्कूल स्टेट की आपको रेस देखने वाले हो, ये प्रोफेशनली रेस है जिसमें वीर भद्र ने टाइम दिया है 25-24 के बीच में दिया है, फ्री स्टाइल 50 मीटर, तो इसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो छोटी है, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी और इसमें रेस औसम है, तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये है वीर खटकर जो ब्लॉक नंबर 3 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, इसकी रेस बहुत औसम है। इसने 50 मीटर जो मारी है 24 सेकंड्स में, इसने 50 मीटर ख़त्म कर दी, जो कि काफ़ी तेज़ होती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि कितनी तेज़ चल रही है। ये इंटरनेशनल प्लेयर है, इसने काफ़ी रेसें की हुई है, इसके पास काफ़ी मेडल भी है, ठीक है। बल्कि आप चेक कर सकते हो इसकी रेस, जो चेक कर सकते हो कितनी तेज़ तैर रही है। इसने 24 सेकंड में कर दी 50 मीटर कंप्लीट, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। हरियाणा के आजकल उनकी हरियाणा काफ़ी तरक्की कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। वीर खटकर की अभी आपको मैंने 50 मीटर फ्री दिखाई है, अब ये चेक कर सकते हो ब्लॉक नंबर 2 पे खड़ा हुआ है वीर खटकर, जिसने ऑरेंज कलर की डाली हुई है कॉस्ट्यूम। तो ये अभी 200 मीटर फ्री स्टाइल है, 200 मीटर फ्री स्टाइल ये मिनिमम करने वाला है, 2:04 में ख़त्म होगी, 2:04 में ये ख़त्म कर देगा। तो ये चेक कर सकते हो कितनी बढ़िया रेस मार रहा है। तो फ्रेंड्स ये अंडर 17 में है, चेक कर सकते हो कि अंडर 17 में, तो ये ओलंपिक्स गेम खेलता रहता है, तो आप चेक कर सकते हो ओलंपिक इंटरनेशनल गेम में, क्योंकि ओलंपिक डिस्ट्रिक्ट नेशनल इंटरनेशनल गेम में ये काफ़ी खेल के आया हुआ है, इसके पास मेडल भी है। अभी ये मेरे ख्याल से चाइना पता नहीं जापान से ये अभी जापान पता नहीं कहाँ बीच में बताया जा रहा था, मैं भूल गया, सॉरी मिस्टेक है मेरी। तो अभी ये वहाँ पे मेडल लेके आया, 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज मेरे ख्याल से मे भी, पर इतने मेडल लेके आया है, 5 मेडल आया है इसके पास, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ये आप चेक कर सकते हो कितनी बढ़िया रेस है इसकी, इसने 50 मीटर कितनी जल्दी ख़त्म कर दिया, और 200 मीटर इसका मिनिमम 2:04 से ख़त्म हुआ है। आप बाकी आप वीडियो में देख सकते हो कि कितना मिनट हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं तो वीडियो बना रहा था, वैसे वीडियो में जो मैंने टाइम नोट किया था उसमें 2:04 था, बाकी आप चेक कर सकते हो अच्छे से, आपको पता चल जाएगा। ये देख सकते हो कितने बढ़िया स्मूथ तैर रहा है, और रेस भी काफ़ी बढ़िया तैर रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि ये स्कूल स्टेट है जो कि आप देख रहे हो मेरे चैनल पे, ठीक है, हरियाणा की तरफ से कुरुक्षेत्र में हरियाणा स्कूल स्टेट कंपटीशन कह लो या फिर चैम्पियनशिप कह लो, तो उसमें ये अंडर 17 कर रहा है, वीर खटकर है जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है, जिसने इंटरनेशनल भी गेम किया, ओपन हरियाणा में भी हमेशा गोल्ड लेके जाता है, ये फ्री स्टाइल में 50 हो या 200 हो, इसका मेन स्ट्रोक फ्री स्टाइल या देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, इसमें आप देख भी सकते हो कि वीर खटकर ने 8 राउंड 2 मिनट में मारने बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स, क्या 50 मीटर ख़त्म करने में फेफड़े भूल जाते हैं, इसने तो 8 राउंड मारे 2 मिनट में। तो फ्रेंड्स खाते रहो, कसरत करते रहो, स्विमिंग करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेहत कुछ नहीं तो सेहत तो आपकी तंदुरुस्त रहेगी। चेक कर सकते हो वीर खटकर ने ख़त्म कर दी 200 मीटर फ्री स्टाइल काफ़ी कम टाइम में। तो फ्रेंड्स इसके आपने अगर रेस के कॉम्पिटिशन्स के आपने सारे डे देखने हैं, जैसे कि 9 तारीख से स्टार्ट हो गया, ये 11 तारीख तक चला था, वो मैंने डे बाई डे आपको कॉम्पिटिशन की वीडियो बना के डाली हुई है, ये वीर खटकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी नाइस पर्सन है ये, ठीक है, बहुत अच्छा तैरता है, बल्कि कहर मतलब बहुत जल्दी इसके ऊपर मुझे लगता है मूवी तैयार होने वाली है, ये जब ओलंपिक को रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक में इंडिया को, तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा ना, मेरी इंडिया में मेडल पहली बार। चलो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीर भद्र है जो वो पहले भी बाहर काफ़ी जगह खेल के आया हुआ है इंटरनेशनल, तो अभी मैं जैसे खेलता रहता है, तो उसकी स्पीड मतलब की देखा आपने कितनी तेज़ थी, क्योंकि काफ़ी मतलब की बढ़िया लगता है कि हरियाणा के लड़के तरक्की कर रहे हैं, हरियाणा के स्पोर्ट्स कैटेगरी में काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं, जैसे कि गीता फुगाड़ होगी और बबीता होगी और काफ़ी हरियाणा से निकले हुए प्लेयर, तो जैसे कि मैं भी अभी हरियाणा में हूँ, समझ रहे हो ना, बल्कि मैं भी प्लेयर निकाल रहा हूँ, तैयार हो रहे हैं प्लेयर अभी अभी। तो अभी चिंटू का कंपटीशन भी आ गया, चिंटू का कंपटीशन है 10 अक्टूबर 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर में गुड़गांव सेक्टर 8 में, जो जिमखाना क्लब है। तो चलो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, थैंक यू वॉच द वीडियो, इस तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीर खटकर की इंटरनेशनल वीडियो। तो फ्रेंड्स ये है स्विम बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग देखते हो, या टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, थैंक यू वॉच द वीडियो।